स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों आज की जानकारी में हम आपको बताएंगे कि भारत में मैरिज करके उसे रजिस्टर्ड करवाने के लिए यानी कोर्ट मैरिज करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आज की जानकारी इम्पोर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भारत में कोर्ट मैरिज करने की जो कानूनन उम्र है वो कितनी है। कानूनन उम्र की बात करें तो लड़की होनी चाहिए 18 प्लस और लड़का 21 प्लस होना चाहिए। यहाँ हम कंप्लीट उम्र की बात कर रहे हैं, यानी 18 रनिंग हो या 21 रनिंग हो तो वो नहीं चलेगा। लड़की 18 प्लस होनी चाहिए और लड़का 21 प्लस होना चाहिए, तभी आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सरकारी काम कर सकते हैं। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है वो होना चाहिए, सबसे पहला आपका आईडी या एड्रेस प्रूफ के रूप में आधार कार्ड आप दोनों के पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके उम्र के प्रमाण पत्र के रूप में होना चाहिए आपके पास या तो आपके 10th क्लास की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट। इन सभी में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको एज प्रूफ के रूप में लेकर आना होता है। और इसके अलावा आपको जरूरत पड़ती है दो गवाहों की। कम से कम दो गवाह आपके साथ होने चाहिए जिनकी उम्र 18 प्लस हो। गवाह कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, रिश्तेदार, आपके माता पिता, कोई भी, लेकिन उनकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए। और उम्र प्रमाण पत्र के रूप में उनके पास भी उनकी मार्कशीट या उनका जन्म प्रमाण पत्र या फिर उनका पासपोर्ट आदि होना जरूरी है। आधार कार्ड विटनेसों को भी लेकर आना होता है। और इन सभी के अलावा जो आपको जरूरत पड़ती है वो होती है पासपोर्ट साइज फोटोज की। गवाहों को भी लेकर आनी होती है और आप दोनों को भी लेकर आनी होती है मैरिज के रजिस्ट्रेशन यानी कोर्ट मैरिज के लिए। तो साथियों अब आप समझ ही गए होंगे कि कोर्ट मैरिज करने की उम्र क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं और विटनेस कम से कम कितने आपको लेकर आने होते हैं। कहीं ये गवाह दो चाहिए होते हैं और किसी किसी राज्य में 3 गवाहों की जरूरत पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हमने स्टेट वाइज भी मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बताई है, आप उन्हें भी अपने कंसर्न स्टेट के लिए चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8295723604 पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कोर्ट मैरिज के नाम पर अक्सर ही लोग फर्जी काम करवा के कपल्स को गुमराह करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है। इस बारे में जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।